दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नाइक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च हो गया चाइना में, 12 प्रो, 12 प्रो प्लस और 12 प्रो प्लस स्पेशल एडिशन जो है उसके ऊपर सुबह वीडियो बनाया हुआ, जाके जरूर देखिए। एक बज गया था Redmi Note 12, जो कि मैंने कहा था इसके लिए शाम को वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये मिड रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है। कहा जा रहा है इंडिया में ये 15,000 के आसपास की प्राइस पे इसका बेस वेरिएंट लॉन्च हो सकता है, जो कि चीपेस्ट स्मार्टफोन होगा ओलेड पैनल के साथ साथ, वो भी हाईर रिफ्रेश रेट वाली एंड 5G चिपसेट के साथ। लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं। इंडिया में कहा जा रहा है ये अकेला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि Redmi Note 12 सीरीज के नाम से ही इंडिया में लॉन्च होगा। अब किस नाम से आएगा देखने वाली बात होगी, बाकी तीनों जो है ना उसमें से दो आएंगे और Xiaomi के अंडर आएंगे। चलिए, Redmi Note 12 5G लॉन्च हो गया चाइना में। प्राइसिंग इसके बेस वेरिएंट की रखी गई है 1200 युआन, यानी कन्वर्ट करते हो तो 13,500 के आसपास आता है। अब इंडिया में कहा जा रहा है ये 15,000 तक आएगा, 15,000 से 16,000 तक। वैसे कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, कुछ स्पेसिफिकेशन शायद आपको पसंद ना भी आए क्योंकि मिक्सचर है थोड़ा सा स्मार्टफोन। क्या है स्पेसिफिकेशन इसमें आपको, 6.67 इंच का फुल HD प्लस का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पंच होल वाला एमोलेड का या ओलेड का पैनल मिलता है कह लो, गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ। रियर साइड पे ड्यूअल कैमरा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। डिस्प्ले आपको पसंद आएगा, मतलब डिस्प्ले अगर देखो तो पसंद आएगा, पॉलीकार्बोनेट है रियर साइड पे, बाकी सारी चीजें ठीक ठाक सी है लेकिन डिस्प्ले आपको पसंद आएगा, चलिए अच्छी बात है। चिपसेट भी आपको पसंद आएगा इसमें, आपको नया स्नैपड्रैगन का 4 Gen 1 जो चिपसेट है ना वो आता है। अब 4 है तो 400 सीरीज का मत समझना, इसका परफॉर्मेंस जो है ना ये समझ लो कि स्नैपड्रैगन 750G जो है ना उसके आसपास किया जाती है, तो 3.5 लाख के आसपास का स्कोर दे देगा, 4 लाख के आसपास का। परफॉर्मेंस तगड़ा है, मतलब आपको सारे गेम सारे ग्राफिक्स सब अच्छे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। 6 MAh पे भेज दो तो बैटरी एफिशिएंसी आपको तगड़ी मिलेगी, वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है MIUI 13 के साथ, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़े से ब्लोटर्स रहेंगे लेकिन अपग्रेड कर पाओगे। चलिए अच्छी बात है, परफॉर्मेंस का सेगमेंट सही में तगड़ा होने वाला है। इसके बाद की चीज़ें थोड़ी सी डिसेंट हो जाती हैं। कैमरा की बात करोगे, रियर साइड पे ड्यूअल कैमरा है 48+2 MP का, एंड रियर साइड पे 4K कर पाओगे, बुके पैनोरमा एचडीआर सब कर लोगे, इश्यूज नहीं आएंगे। फ्रंट में सिर्फ 8 MP का सेंसर दिया है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो, सेंसर अच्छा नहीं दिया है तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे लेकर आते हैं, क्या चीज़ें लेकर आते हैं। कैमरा डिसेंट एवरेज जैसा है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 W का चार्जर है, 15,000 के नीचे यही एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एक अच्छी खासी बैटरी और एक ठीक ठाक सा फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा टाइप सी के पोर्ट के साथ। 3.5 mm जैक, स्टीरियो स्पीकर्स और जितने भी चीज़ें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, आईआर ब्लास्टर, जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो सबके सब इसमें मिल जाते हैं, वहाँ पे भी इशू नहीं। मैं कहूँ तो कैमरा वही जो है ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, बाकी सारी चीज़ें आपको तगड़ी मिलती हैं, इशूज़ नहीं है। चलिए अच्छी बात है, बेस वेरिएंट जो है वो 6GB 128GB वाला आपको मिल जाता है ये 1200 युआन, यानी करीब करीब समझ लो कि 13,500 के आसपास। अब ये इंडिया में अगर 15,000 के आसपास आ जाएगा तो एक मेरे हिसाब से अच्छी डील होगी, क्योंकि 15,000 के नीचे अभी तक बहुत सारे स्मार्टफोन नहीं जिन्होंने हाई रिफ्रेश रेट के साथ ओलेड पैनल एंड उसके साथ साथ 5G चिपसेट दिया हो। इन्फिनिक्स ने नोट 12 दिया हुआ है लेकिन उसमें रिफ्रेश रेट वही 60Hz वाला ही है। चलिए आप क्या सोचते हो इसके बारे में जरूर बताना, कैसा लगा आपको, अगर ये 15,000 के नीचे आता है तो लोगे कि नहीं जरूर बताना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, साइड में देखो वेक्टर में जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तो के लिए दोस्तों।